हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो बस। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पोको M3। क्या ये वाकई में एक पावर पैक्ड परफॉर्मर रहा? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, इसकी पैकिंग को आप देख सकते हो, यहाँ ऑलरेडी कंपनी ने मेंशन किया है मेड इन इंडिया, और 6000 mAh की बैटरी इन्होंने प्रोवाइड की है। और बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने कंपनी ने क्लेम किया है कि 2 डे बैटरी लाइफ इसकी ये प्रोवाइड कर सकते हैं विथ 18 वाट ऑफ फास्ट चार्जिंग। और मैं आपको इसके आगे बताऊंगा कि चार्जिंग वाकई में इसकी फास्ट है या नहीं। और इसमें प्रोवाइड किया गया 48 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा अलॉन्ग विथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 6.53 FHD प्लस डिस्प्ले, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 मैं कह सकता हूँ इसमें प्रोवाइड किया गया है, जो कि एज अ पर्पज़ ऑफ सेफ्टी अगर आप मैं कहूँगा तो आप इसे टेम्पर्ड ग्लास के संग ही यूज़ करना। अलॉन्ग विथ 6 GB ऑफ रैम विथ डुअल स्पीकर्स साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। यस, इसमें इन्होंने साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। डुअल वोल्टी अलॉन्ग विथ वो वाईफाई। 8 मेगापिक्सल का इन्होंने फ्रंट कैमरा दिया है अलॉन्ग विथ टाइप सी ऑफ रिवर्सेबल कनेक्टर। यस, USB स्टोरेज इन्होंने ऑल्सो प्रोवाइड किया है इसमें। ये ब्लू कलर का है जिसकी 6 GB ऑफ रैम और 128 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज है इसका, और आप इसे 516 GB तक आप एक्सपेंड कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू बता देता हूँ। बॉक्स के अंदर दोस्तों आपको एक केस प्रोवाइड किया गया है अलॉन्ग विथ पिन। देख सकते हो आप, ये केस प्रोवाइड किया गया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप इस फ्लिपकार्ट से एक न्यू केस परचेज़ कर लेना। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि ये आफ्टर फ्यू डेज ये कलर फेड होने लगता है तो काफ़ी अच्छा नहीं लगता है। एक मैनुअल प्रोवाइड किया गया है इसमें, आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। फाइनली दोस्तों, आपके सामने है ये पोको M3 का ब्लू वर्जन, आप देख सकते हो दोस्तों। काफ़ी अच्छी तरीके से फिनिश इन्होंने यहाँ प्रोवाइड किया है, जो कि एक लेदर टेक्सचर की तरह लगेगा आपको। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी बात, क्योंकि इतने प्राइस रेंज में आप इस तरह की फिनिश बहुत रेयर मिलती है। देख सकते हो दोस्तों, ये मैंने इसे ऑन कर दिया है और ये फुल ब्राइटनेस पे है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर फुल ब्राइटनेस है यहाँ पे, और डिस्प्ले को आप जज कर सकते हो दोस्तों कि कैसा है। मैंने एक चीज़ ये ऑब्ज़र्व की है कि जब भी आप सनलाइट में जाते हो तो ये अपनी मैक्सिमम लेवल पे भी रहता है, फिर भी आपको लगेगा कि इसकी ब्राइटनेस लो है। तो आप अगर उसे नेगलेक्ट करते हो तो आप इसे ईजिली परचेज कर सकते हो। और बैटरी के मुकाबले में ये कम से कम 2 दिन आराम से दे देती है अगर आप नॉर्मल यूजेज करोगे तो। और अगर आप नेट चलाओगे, अगर आप देर तक आप सर्फिंग करते हो, सो अराउंड 1 to 1.5 days ये आपको ईजिली बैटरी बैकअप दे सकता है। सो दोस्तों, ये रहा आपका पोको का क्लीन एक्सपीरियंस। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही स्मूथ इन्होंने बनाया है। और एक और बात मैं बता दूँ दोस्तों कि इन्होंने इसमें से एड्स रिमूव कर दिए हैं। जी हाँ, जैसे कि आप MI के फ़ोन्स में देखते थे कि आप बीच बीच में कभी कभी एड्स आ जाते थे, तो इसमें इन्होंने ये सब चीज़ रिमूव कर दी। तो सेटिंग्स की बात कर लेता हूँ मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अबाउट फ़ोन दिया है जिसमें MIUI का 12.0.4 वर्जन है। यस, MIUI 12 इसमें प्रोवाइड किया गया है। आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि यहाँ पे 128 GB की इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड की गई है, जो कि काफ़ी है आपके फ़ोन के लिए। और ये हीटअप नहीं होगा अगर आप हैवी यूजर्स भी करोगे तो। और आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 10 प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे, जो कि हो सकता है बाद में ये कंपनी इसे अपग्रेड कर दे एंड्रॉयड 11 पे, सो आपको उसका वेट करना पड़ेगा। बैटरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम कब चार्ज किया है, और अभी भी 48% बैटरी रिमेनिंग है। और यहाँ पे आपको बैटरी सेवर दे सकता है, अल्ट्रा बैटरी सेवर भी आपको दे सकता है। आप इसे ईजिली ऑन कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा, आपका पावर कंजम्पशन लो हो जाएगा और आप इसे 2 दिन तक मैक्सिमम आप इसे चला सकते हो।
डिस्प्ले की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे लाइट मोड भी दिया गया है और यहाँ पे डार्क मोड भी प्रोवाइड किया गया है। आप इस डार्क मोड को शेड्यूल भी कर सकते हो अपने हिसाब से, और आप यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल को भी सेट कर सकते हो। और आप रीडिंग मोड इसमें प्रोवाइड किया गया है, आप इसे ऑन करके आप कलर टेक्सचर्स को आप एक बैलेंस मोड में यूज़ कर सकते हो। स्पीकर जो है ब्लॉक हो जाता है काफ़ी डस्ट की वजह से, और कभी कभी पानी भी चला जाता है। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लियर स्पीकर का, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है प्ले 30 सेकेंड ऑडियो टू क्लियर द स्पीकर। सो आप इसे ऑन कर सकते हो और आप इसे रन करके अपने स्पीकर को डस्ट प्रूफ बना सकते हो। दोस्तों इसके कैमरे की बात कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैमरा ओपन कर लिया है मैंने। एक यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड है, और मोड में आपको नाइट मोड मिल जाएगा, 48 मेगापिक्सल का मोड मिल जाएगा। शॉर्ट वीडियो भी आप इससे बना सकते हो, पनोरमा आप बना सकते हो, डॉक्यूमेंट इवन आप कर सकते हो क्रिएट, स्लो मोशन आप कर सकते हो, और टाइम लैप्स आप सेट कर सकते हो, और काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ये रहा वीडियो का ऑप्शन दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और एक रहा ये प्रो का ऑप्शन, आपको हाई क्वालिटी की अगर आपको वीडियोस रिकॉर्ड करनी है या फ़ोटो की क्लिक करनी है तो आप इस मोड को ऑन कर सकते हो। और आपके सामने मैं अब फ्रंट कैमरा बैक कैमरा का फ़ोटोज़ अब मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ। सो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके बैक कैमरा कैसा है और इसका फ्रंट कैमरा कैसा है। इवन मैं आपको इसके बाद, ये आप देख सकते हो सामने, ये एक वीडियो मैंने कैप्चर किया है थ्रू बैक कैमरा। इसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने एक और वीडियो कैप्चर किया है थ्रू फ्रंट कैमरा। सो स्टेबिलिटी की बात करूँ दोस्तों, ये काफ़ी स्टेबल, मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी स्टेबल है ये इसका कैमरा। और कलर टेक्सचर की बात करूँ तो थोड़ा बहुत लैग करता है कलर टेक्सचर कॉन्ट्रास्ट में। और लास्ट में मैं दोस्तों दिखाऊंगा ये इसका पोर्ट्रेट मोड के सैंपल कैसा है। आप देख सकते हो दोस्तों, पूरा 100% तो आप नहीं कह सकते हो कि ये ब्लर कर दे रहा है सराउंडिंग को, बट हाँ काफ़ी अच्छा है। दोस्तों चार्जर की बात कर लेते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ये इसमें रिवर्स चार्जिंग इन्होंने प्रोवाइड किया है और टाइप सी प्रोवाइड किया है इन्होंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जल्दी से समअप करते हुए दोस्तों, मैं आपको एक अपना रिव्यू बता देता हूँ जो मैंने 30 डेज में एक्सपीरियंस किया है, कि हाँ कि डिज़ाइन आपका काफ़ी अच्छा इन्होंने क्रिएट किया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी फंकी यहाँ पे क्रिएट किया है इन्होंने, पोको का लोगो लगाया था। और एक मैं बात बता दूं आपको कि कस्टमर्स क्या हैं, कि आप चार्जिंग सिस्टम देख के ले रहे हैं, यानी कि फास्ट चार्जिंग सिस्टम देख के ले रहे हैं, क्योंकि पोको ने लिखा है उस पर 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग। बट मैं दोस्तों बता दूं कि चार्जिंग सिस्टम अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स ले रहा है फुल चार्ज होने में, जो कि आप कह सकते हो कि फास्ट चार्जिंग नहीं है। सो अगर आपको चार्जिंग के मैटर में अगर आप इसे नेगलेक्ट करते हो तो ये फ़ोन काफ़ी बेहतरीन है, आप इसे इजीली परचेज़ कर सकते हो। फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अराउंड 10999 का इस समय फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है ये। डिफरेंट कलर वेरियंट्स हैं इसके, मेन इसका जो है काफ़ी अट्रैक्टिव जो है वो येलो कलर है इसमें प्रोवाइड किया गया है, जो फ्लिपकार्ट में मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छा फ़ोन है अगर आप लेना चाहो तो। मैंने गेमिंग टेस्ट भी किया था और गेमिंग टेस्ट भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस में किया है इन्होंने। एज़ कभी कभी क्या होता है कि इतने में आपका हीटअप हो जाता है फ़ोन, बट इस फ़ोन में हीटअप नहीं हुआ, जो कि काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। अब मैं लास्ट में आपका साउंड टेस्ट करके दिखा देता हूँ इसमें। चलिए दोस्तों इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं। ये था मेरा अपना रिव्यू, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड फिंगरप्रिंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको साउंड टेस्ट करके दिखाया है, इसमें डुअल स्पीकर्स प्रोवाइड किए गए हैं जो एक तरीके के डॉल्बी साउंड
प्रोड्यूस करते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों। सो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी आपके क्वेरीज होंगे आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।